भारत विकास परिषद गोरक्ष प्रांत का स्थापना एवं अधिष्ठापन समारोह एवं प्रांतीय कार्यशाला का आयोजन रविवार को बैंक रोड स्थित एक होटल के सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से परिषद के अध्यक्ष केशव दत्त गुप्ता, प्रांतीय वित्त सचिव डॉक्टर मनोज जायसवाल, अध्यक्ष डॉक्टर आरपी शुक्ला, महिला शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर उषा कुमार, संरक्षक डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल सहित परिषद के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। परिषद के प्रांतीय कार्यशाला में परिषद द्वारा अब तक किए गए कार्यों का विवरण तथा आगामी सेवा कार्यों की रणनीति तय की गई है। संगठन करने में सफल हो पाए हैं और भी काफी कम समय का इन्होंने टारगेट दिया था और उस समय के भीतर इस काम को हम लोग करके दिखा पाए। पर ये और शाखाएं हैं गोरखपुर के अलावा जो बाहर में है, संत कबीर नगर में है, बस्ती में है, देवरिया में है, कुशीनगर में है, महाराजगंज में हम लोग जल्द शुरू करने के प्रयास में है। उन कृपया आए और उनके मन में जो स्थान के गठन और जो दायित्व उनके पास मिल सके अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। भारत में संस्थाएं हैं जो भारत विकास परिषद जो इतने पुनीत कार्य करती है, तो इसको लेके मैं बहुत उत्साहित हुआ और मेरे अंदर भी लोगों को देख के विचार, जैसे हम लोग तो मैं तो डॉक्टर हूँ तो जितने भी गरीब लोग होते हैं उनको उपचार मिलने में इतनी कठिनाई है, इवन सरकारी हॉस्पिटल्स में भी, तो ये कम से कम अगर हम थोड़ा भी उनको हेल्प कर सकते हैं, अगर गरीब लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी हमारे विकास भारत विकास परिषद की तरफ से और हमारे ये सहयोग से उनको बहुत सारे जो गरीब जैसे जैसे एक संस्था सेवा भारती भी चलता है उसका भी मैं सदस्य हूँ। तो उद्घाटन हुआ बतौर एक सचिव मैं अपनी अध्यक्ष श्रीमती आशा नंदा जी के साथ हम लोगों ने बहुत सारे अनछुए पहलुओं को छुआ और बहुत सारे बच्चों के लिए काम किया, चाहे वो विश्व पर्यावरण दिवस हो, जल संरक्षण दिवस हो, टाइम टू टाइम उनको हम लोगों ने कॉम्पिटिशन कराए, बहुत अच्छे लोगों को बुला करके उनके बीच में बहुत सारे अवेयरनेस के लिए काम किया हम लोगों ने। और हमारे गोरखपुर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बहुत महिलाएं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है पर उनको हमारा शहर नहीं जानता था, शायद वो भूल गए थे, उनको एक मंच पे बुलाते थे भारत विकास परिषद की तरफ से हम लोगों ने सम्मानित। गोरखपुर में महिला कवि सम्मेलन का आयोजन भी हम लोगों ने किया है, प्रोग्राम किए, होली भी किया है, तो जितना भी संभव हो सका बहुत कम समय में हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है। आज जहाँ तक प्रश्न है कि मुझे एक महिला कन्वीनर के रूप में गोरख प्रांत से चुना गया है, तो मेरा मानना है मैं वैसे विवेकानंद के बहुत सारे सिद्धांतों को अपने जीवन में बचपन से मानती रही हूँ, तो मेरा मानना है कि कहने से ज़्यादा अच्छा है करना। और जो ये 5 सूत्र हैं ऊपर लिखे हुए, जब हम इनके अनुसार बहुत सारी महिलाओं को अपने साथ लेकर के अपने गोरखपुर क्षेत्र के लिए बहुत सारा काम करेंगे तो मैं बहुत सारी चीज़ें आकर के आपको बताऊंगी। धन्यवाद।